गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, गर्मियों की जैसे छुट्टियां शुरू होती ना, घमोरियों से उतना डर नहीं लगता जितना मेहमानों से लगता है। क्योंकि घमोरियों के लिए तो फिर भी सूखा पाउडर आता है। मेहमान जब तक आपका घी नहीं निकालते ना, जाते नहीं है। अच्छा, जो लोग ठंडी जगह पे रह रहे होते ना, उनको गर्मी में सबसे ज्यादा फोन आते रिश्तेदारों के, हमारे है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड से फोन आएंगे रात को 11 बजे, और भाई आ भाई गुड्डू, आ भाई मैं बोल रहा हूँ, आ तेरा फूफा जानकी दास, हाँ बड़े दिन हो गए भाई, आजकल तेरी पोस्टिंग शिमला में है ना, बंदा भी टालता है। हाँ एक्चुअली ठंड बड़ी हो गई, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। वो फिर और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हैं अपना। अच्छा, मैं तेरी बुआ के साथ इतने साल एडजस्ट कर गया, ये ठंड क्या चीज है। आदमी फिर समझाता, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो अभी इतनी सर्दी है, मैं इसलिए बोला था कि आपके वो घुटनों में दर्द रहता ना, बेटे मैंने स्टील के डलवा लिए, अब तो मैं इधर नींबू रख के रस निकाल देता हूँ, बड़े मेहमान आपको ऐसे मिलेंगे। अच्छा, जो छोटे शहरों से कभी कभी आते हैं, जिन्होंने पहली बार एस्केलेटर देखा होता है, बड़े शहरों में जब कोई मेहमान आता है तो उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि छोटे गांव में तो मॉल होते नहीं है, वो बेचारे एस्केलेटर से बड़ा डरते हैं कि कौन सी चीज पहले रखनी है। वो बेचारे भोले होते हैं, पहले पर क्या, पहले तो समझ नहीं आता क्या, पहले उनके एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं लिफ्ट को देख के। उसके बाद फिर टाइमिंग खराब होती है, पहले हाथ रख फिर हाथ खींच जाता है, हाय, फिर पैर रखते पैर निकल गया, हाय, फिर कोई उनको पीछे से धक्का देता, मौसी चढ़, हाय, बेचारे पड़े उनके साथ। और मॉल में भी देखना, जो घूमने लोग आते हैं, ये दिनेश का ताऊ है ना, मॉल में चला गया घूमने, सारी दुकानें छोड़ के ना लॉन्जरी की दुकान के बाहर खड़ा हो गया, और जो मैनिक्विन नहीं लगी रहती है ऐसे, उनको यूं देख रहे अंकल। इतनी देर देखा ना हार के, वो पत्थर की लड़की कहती, चाचा अरे मेहमान दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो बता के आते हैं, एक होते हैं जो बिना बताए ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आपके घर में। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो मेहमान होते हैं ना, तैयार होने का मौका भी नहीं देते। आदमी संडे का दिन है, बालों में डाई लगा के बैठा है, आराम से धूप सेक रहा है या टीवी देख रहा है, तो ऐसे में बेल बजती ना ठम करके, तो आदमी पहले तो खिड़की से देखता है, अगर तो बुढ़े बुढ़े रिश्तेदार हैं तो फिर तो चला जाता है खोलने, अगर साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, पहले बाथरूम में इतनी तेजी से निकलता है जैसे रेड पड़ गई हो, फिर वो रेडी होके बाहर निकलता है, आ गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंबई आकर अभी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके अब भी देहाती हैं, तो फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, रात को जब सोने का टाइम आता है, फिर ये अपना कुर्ता निकाल के ना, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं टंगी रहती यूं करके, उसके ऊपर डालते हैं, और सारी रात बदबू वाला कुर्ता टंगा रहता है। सुबह मोनालिसा जो यूं करके होती है ना, सुबह यूं खड़ी होती है। अच्छा, अपना बच्चा अगर घर के बेड पे थोड़ा सा पानी भी गिरा दे ना, तो माँ बाप थप्पड़ लगा देते उसको, मेहमान का बच्चा आके सुस्ती भी कर दे ना, अंदर से गुस्सा तो बड़ा आता है, ऊपर ऊपर से बोलते बच्चे है, निकल आता है, अभी क्या करें। आप देखना, मेहमान जब नया नया आता ना आपके घर में, तो पहले पहले दिन बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती है, पहले पहले पनीर बनेगा, चिकन बनेगा, दो चार दिन एक्स्ट्रा रुक जाए फिर भिंडी गोभी आना शुरू हो जाती है, फिर दो दिन और रुक जाए फिर पानी वाली दाल आनी शुरू हो जाती है, फिर मेहमान चपाती तोड़ता है, वो खुद दाल ढूंढता है, और एक दिन और रुक जाए फिर सब्जियां तो आने की दूर की बात, फिर किचन में से गालियों की आवाज आती है, फिर मेहमान समझ जाता है कि अब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई है। अरे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, माँ बाप ज्यादा खाने पीने को नहीं देते ना कोल्ड ड्रिंक, जब मेहमान आते ना तभी ये फैलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक भावा बोल देते हैं, माँ बाप अरे हटो पहले मेहमानों को पीने दो, तो मेहमान तो बोल ही देते हैं, अरे कोई बात नहीं बच्चा है पीने दो, अरे नहीं नहीं ये तो पीते रहते हैं, बच्चे फिर सबके सामने पोल खोलते हैं, कहाँ पीते रहते हैं, वो आपकी बेइज्जती मेहमानों के सामने करेंगे, कहाँ पीते रहते हैं, आज ही तो आई है कोल्ड ड्रिंक, हमें कभी भी नहीं पिलाते, पता है हमें जब शादी पे ले जाते हैं वहां पे कहते हैं जितनी खींच सकते हो खींच लो, घर में तो पिलाते नहीं है। अच्छा, जब भी घर पे मेहमान आते ना, जो आदमी सबसे वेला होता है ना, उसकी ड्यूटी लगती है उनको घुमाने फिराने की, क्योंकि उसके पास कोई और को काम है नहीं, स्टेशन से लेने भी वही जाता है, छोड़ने भी वही जाता है। अब छोटे शहरों में जाओगे ना, आपको वेले लोग बड़े मिलेंगे,
जिनको कोई खास काम नहीं रहता। अच्छा ऐसे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, कहीं गन्ने की ट्रॉली निकल रही है ना उसके पीछे लटक जाते हैं, उधर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, फिर उसके बाद वापस वहां से कोई आ रही है उसके पीछे लटक के वापस आ गए, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अच्छा कुछ तो इतने वेले होते हैं, मैंने देखा है कईयों के घर के आसपास रेलवे लाइन पड़ती ना, उधर यार दोस्त बैठ के ना दो और कुछ नहीं तो रेल के डिब्बे गिनते रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फिर लड़ रहे होते हैं, अबे 13 थे, अबे 12 थे, कोई बात नहीं अभी आधे घंटे में दूसरी आएगी, फिर गिनते, फिर बैठ गए। अच्छा आप कुछ लोग इतने वेले होते हैं इनके दांत में कुछ अटक जाए ना, किसी ने कुछ चिकन खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, सारा सारा दिन ये नहीं कि फटाफट एक टूथपिक लेके निकालो, पूरा पूरा दिन उससे खेलते रहते हैं। एक सेकंड का काम खत्म कर पूरा पूरा दिन निकल देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हटा दे तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे। कुछ लोग मैंने इतने वेले देखे अर्चना जी कसम से, कभी कभी ऐसे मक्खी पकड़ के ना ऐसे सुनने लगते हैं, पता नहीं क्या बड़े इनमें फुर्ती बड़ी होती है। तू आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा, इंसान वाली हरकतें कर, ऐसे चले चले जा रहे एकदम से ऐसे मच्छर पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे सुनेंगे कितनी देर पकड़ के रखते हैं कि अब देखो मरता है कि नहीं, फिर छोड़ते फिर निकल जाता, बच गया। अच्छा मैं वेलों की बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक दोस्त है बड़ा वेला, वो मैं आपको मिलवाता हूँ, चंदू। हाँ जी चंदू मेरे यार, कहाँ था तू? अच्छा मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे चंदू चंदू मत किया करो, फिर ये चैनल से लड़ता है, मेरी पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा कहाँ था तू? मैं बिजी था यार, बाहर क्या कर रहा था? वो गड्ढा भर रहे थे, मैं वो देख रहा था। वो तो तू कल देख रहा था, कल तो खोद रहे थे ना, मैं वो देख रहा था। मैं इसके बारे में जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ? ये हरते ऐसे करते हैं, कौन देखता है गड्ढा खोद रहा खड़ा देख रहा है, बताओ बात क्या हुई है यार, बातें बताओ। वेले लोगों की बातें कर रहा था मैं, जो इसकी मास्टरी है वेले लोगों के ऊपर, इसने PhD की हुई है, क्योंकि खुद भी वेला है ना, ये आपको बताएगा वेले लोग क्या क्या करते, बताओ। अर्चना जी वेले आदमी से ज्यादा बिजी कोई होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी बिजी आदमी होता ना वो चलता होता, उसको नहीं पता खुजली हो रही कि नहीं हो रही, सीधा चलते चलता चलो वापस आ गए। वेले आदमी के पास टाइम ही बड़ा है, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ। ये तो ऐसे वेले कहते वेला वेला वेला, पता कितना बिजी होता है, अपना थूक फेंक कर 10-10 मिनट उसे देखता रहता है। ये नहीं कि देख लिया आप आगे बढ़ो, मैंने और क्रिएटिविटी करनी शुरू कर देते हैं। तो बिजी आदमी जो होता है वो एक ही काम करता है, वेले आदमी के पास काम ही बड़े होते हैं एक्चुअली। अच्छा ये वेला आदमी जो होता है ना उसको कोई काम नहीं, तो बत्ती बनाकर ना वो कान में लेकर ना मजे लेते रहे। तुम एग्जाम देकर आए हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो। बिजी आदमी होता ना वो काम करता, आई एम सॉरी छीक भी मारता पता नहीं चलता छीक मारी कि मोटर वाला स्विच ऑन किया है। वेले आदमी के पास तो आधा घंटा छीक में वेस्ट कर देता है, पहले 15 मिनट मुंह बनाता है वो। फिर अगले 15 मिनट डायग्नोज करता है। चंदू के लिए जोरदार तालियां। वेले आदमी जो होते हैं वो टाइम पास करने के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से आइडियाज हम सीखना चाहते हैं। जी मैम, टाइम पास करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि चादर ओढ़ो और सो जाओ, इतना सारा घर में काम होता है कौन करे, इसलिए अच्छा है चादर ओढ़ो और सो जाओ। ये अच्छा है। नहीं पर एक टाइम पे तो आदमी सो सो के भी थक जाता है ना,
कभी कभी आप सो के उठते हो, इतना सो के उठते हो कि सोते सोते थकावट हो जाती है। वेला आदमी फिर भी सो जाता है जैसे। तो आपकी शादी हो गई? जी। अच्छा जी, हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? बच्चे संभाल रहे हैं। यार ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है नारी शक्ति का जमाना है, बच्चे घर पे छोड़ आती हैं, पति संभाल, अच्छी बात है, वेरी गुड। काम चोर हूँ मैं। पर वैसे आप बोल रही कामचोर, बच्चे टाइम पे हो गए आपके भी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। और कोई हमारे दोस्त जो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, एक माइक दास दादा को दे दो प्लीज। नर्वस हो गए दास दादा। दास दादा हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे शो पे बड़े सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। दास दादा आप क्या करते हो जब शो की शूटिंग खत्म हो जाती है, घर जाके क्या करते हो? घर पे अकेला हूँ अभी। क्यों? वाइफ कलकत्ता गई है। अच्छा, भेज दिया। तो मुझे क्यों काली की फिर आपने, अगर वाइफ कलकत्ता गई है? तो बच्चे आपके साथ रहते हैं दास दादा? हाँ, मैं लड़का ही खाली। अच्छा, खाली लड़का क्या है, भरा लड़का क्या होता है? नहीं, बेटा है अभी साथ में। अच्छा, बेटी का तो शादी हो गया। बेटी की शादी होगी? हाँ जी। बेटे की नहीं करी? नहीं, बेटा अभी टाइम है, लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है? लड़की घुमा रहा है। दास दादा एक बात बताओ, आप मतलब अभी दास दादी भी घर पे नहीं है, मतलब आपकी वाइफ शूटिंग के बाद अभी क्या घर जाके क्या करोगे? घर पे रहता हूँ, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, नीचे भी नहीं आता हूँ। तो अभी आपकी वाइफ गई हुई कलकत्ता, बोर नहीं होते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या फायदा, 35 साल हो गए सर शादी को। ऐसे क्यों दास दादा? बोर हो जाते हैं एक ही चेहरा रोज रोज देख के, क्या देखे? मार पड़ेगी घर पे। दास दादा वो भी तो रोज एक ही चेहरा देखती हैं, वो कौन सा एक दिन दिलीप कुमार देखा, दूसरे दिन शाहरुख खान, वो भी तंग आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। पर दास दादा इज सो स्वीट, थैंक यू दास दादा, लव यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हाथ खड़ा करें, इनको दे दीजिए। जी अगम कुमार निगम जी हमारे शो में। एक साल पहले जैसे आपकी थोड़ी वेला आप हो गए थे, थोड़ा वैसा, पूरा वेला था। हाँ, सर वैसा वैसा वेलापन मेरे साथ भी हुआ था कुछ सालों पहले। अच्छा, फिर क्या? लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक रास्ता खोज निकाला। क्या? मैंने सर क्या किया कि मेरी बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बुराइयां चालू कर दी, थोड़ा सा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलो और फिर खामोश हो जाओ। किनके सामने? फिर वो बोलते हैं उनके सामने। अच्छा, और क्या करो कि भाई पड़ोसन की साड़ी की तारीफ कर दो, पड़ोसन के खाने की तारीफ कर दो, या तो ऑफिस की किसी असिस्टेंट की खूबसूरती की तारीफ कर दो, फिर खामोश हो जाओ, फिर दिन भर जो कुछ है घर में ही कपिल शर्मा शो देखते रहो बस। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आपका। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं भरूच गुजरात से आया हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, वाह वाह। और सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनको जरा हाय कह दीजिए। कहाँ है? वहाँ पे मेरा भाई है और भाभी है। कैसे आप? वो दो ठुड्डियों वाले आपके भाई? नहीं नहीं, वो नहीं। सर सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, जितना मजा यहाँ पे आने आया है वो सारा घर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई की मुलाकात आपसे करवाई, बहन की करवाई, बीवी से भूल गया सर, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर, बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आज मैंने चंदू का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर में इसने पूरा गड्ढा देख लेना था जो भर रहा था बाहर। तो मैं चंदू के साथ देख के आता हूँ, आपका भी मन करे, वैसे बड़ी प्यारी लग रही आप, लेकिन अभी मेहमान आने वाले हैं हमारे शो में, अगर आपको चेंज करना तो कर सकती हैं, वैसे बाहर खाना भी खुल गया। चलो भी चंदू, बाय बाय, थैंक यू। चलो चलो चलो। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आज यहाँ जो आ रही हैं वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की 3 सबसे बड़ी सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज और अपने डांस से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। आज इनके साथ हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा को एक बार फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा CID, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम, काला बाजार, गाइड, राम और श्याम, नील कमल और तीसरी कसम जैसी सुपरहिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस, हिंदी सिनेमा का 14वीं का चांद, पद्म भूषण वहीदा रहमान जी। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you.
वहीदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सीरियसली आज आज मैं क्या कहूँ, हमेशा हम ये बोलते हैं कि चार चांद लग गए और 4 लाख चांद लग गए हमारे शो को। एक्चुअली हमारी अर्चना जी जिंदगी में कभी किसी को देख के घबराई नहीं, आज रो रही हैं आपको देख के। ये मोहब्बत है आपके लिए। अरे कुछ नहीं कहती आपको, क्यों रो रही हैं आप? मैं डांटूंगी नहीं। आप डांट भी दे तो सर आंखों पर। सुनो, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि इतने सालों के, मतलब आपने तो ऑफकोर्स कितना काम किया, लेकिन मैंने भी कुछ काम नहीं काम किया। मैंने ऑलमोस्ट 3.5 decades I've been in this industry, और आपसे मिलने का पहले सौभाग्य हुआ है मुझे, लेकिन आज इस मंच पर आपको देखकर, और द फैक्ट दैट आई मीन मुझे उस कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं, बिकॉज आप यहाँ पर इस मंच पर हैं, एंड वी हैव ग्रोन अप सीइंग वहीदा जी परफॉर्म, एंड इट्स एम्बैरेसिंग कि इतने सारे एक्टर्स को मिलने के बाद। Now I won't take more of your time because it's बहुत emotional. I know it's a comedy show and I मैंने बहुत emotional बना दिया. I'm going to go back there, but it's such a pleasure being here with you. Thank you so much. Pleasure meeting you. वहीदा जी प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ, विराजमान हो जाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। आज की हमारी दूसरी मेहमान है वो जिन्होंने दिल देके देखो जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के, कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके अपने फन से करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया है, आ रही है गुड़िया जापान की द वेरी ब्यूटीफुल पद्मश्री आशा पारेख जी। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और आज की हमारी तीसरी मेहमान वो है जिन्होंने अपने डांस से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। ये एक ऐसी अदाकारा है, इनका एक गाना पूरी फिल्म को सुपरहिट बना देता था, गुमनाम, शिकार, ऐलान, कारवां, लहू के दो रंग, शोले, डॉन और बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीतने वाली, प्लीज वेलकम पद्मश्री हेलन जी। आइए मैम, आइए, मुझे पता है आज आपके दिल में बहुत सारी बातें जो आप करने वाली है, सो प्लीज मैम। आशा जी, I am so honored to meet you. So, so, so honored. After a long time, we are meeting. I'm such a big fan of yours. Helen ji. Hi, my darling. You know, Helen ji, I want to say एक चीज जो मैंने कभी किसी से शायद शेयर भी नहीं की, कि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ तो हेलन जी की वजह से। wow. क्योंकि wow. जब मैं छोटी थी और मैं आपके गाने और डांस और आपका आपकी एक्टिंग देखती थी स्क्रीन पर, तो मैं इतना मेस्मराइज और उस ग्लैमर से इतना अट्रैक्टेड थी, तो मैं बोलती थी कि वन डे मैं भी उस पर्दे पर आना चाहती हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वहीदा जी, पहले आशा जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हेलन जी से भी मुलाकात हो चुकी है, पहले शो में आ चुकी हैं, उस समय भी हमने आपको याद किया था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि वहीदा जी यहाँ पे है नहीं, पर हमें पता नहीं कि बात सच्ची थी कि नहीं। आपको किसी ने फोन किया था कि नहीं? हम आपको बड़े सालों से वेट कर रहे हैं आपका। आई नो, एक बार किसी ने बुलाया तो था। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ। मैं नहीं, वहीदा जी, आप वहीदा रहमान है, आपको माफी मांगनी जरूरत नहीं। मैं तो खाली कंफर्म करना चाहता था कि प्रोडक्शन हाउस सही बोल रहा है ना। दो प्रोडक्शन हाउस है अभी, एक तो आप ही का है जी। हिंदी सिनेमा में आपका कंट्रीब्यूशन जो है कोई भुला नहीं सकता। मैम, एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को। मैं बहुत बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भरतनाट्यम सीखा था मैंने, तो स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी। अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे, और मैं 13 साल की थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब बहुत छोटी है, नहीं इधर की ना उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक अच्छा डांस, वो लकीली बहुत 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 मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एंटी रामा राव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा के जी, 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 जी। सीएम थे। उसके बाद
गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में. अच्छा जी. तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया. फिर यू नो इट्स अ हिस्ट्री. वाओ ग्रेट. राशा जी आप कैसे आए फिल्मों में? मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी. अच्छा जी. और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा. मैं 9-10 साल की थी. अच्छा जी. तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे कह दिया हाँ करूँगी. अच्छा जी. तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था. अच्छा जी. उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी. तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया. अच्छा जी. और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है. तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, अब स्टार मटेरियल नहीं है. अच्छा. आप हम आपको नहीं ले सकते हैं. अच्छा. स्टार मटेरियल नहीं. तो हमको निकाल दिया गया. एक हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का, और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्म वाले आ जाना. मैंने कहा अभी फिल्म वाले क्या करना है, अभी तो हम मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है. इसी तरह से वहाँ पहुँच गए. फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई. और हेलन जी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma. Okay. And during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school. And while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatanatyam, and Kathak. Just the fundamentals. Take. In case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. Us zamane mein Kukku ji bahut badi dancer and actress thi. Acha ji. And my mother requested her that main chorus mein kam se kam join karu, kyunki we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. Or another thing I must tell you, jab bhi garmi ka din tha, हम लोग चटाई को ठंडा करके जमीन पे लगा के नहा के, वी नेवर यूज्ड टू वाइप अवरसेल्फ, गुड नाइट एंड वी गो टू स्लीप. माय गॉड. सो वी सी दिस लवली डेज, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर नाउ. थैंक यू. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया. मतलब कमाल है. आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है. तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया. तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी ये बचकाना सवाल. दोनों में होता था. अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल आप तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे. ओके. क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज्यादा था, समथिंग लाइक दैट टेक्निकल थिंग. तो मुंह सारा जल जाता था एक आइस बकेट में. अच्छा. एक लेदर कहते थे उसको, डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे बिफोर द टेक. तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, यू नो, इतनी ज्यादा गर्मी थी. और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना कमरों में ना स्टूडियो में. तो बुरा हाल होता था. मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए. अच्छा. राशा जी आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी. अच्छा जी. हम हिंदुस्तानी तो इतने बड़े बड़े लाइट्स ले आते थे. और वो लगा के मुझे याद है, मैं मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी. अच्छा जी. शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था. रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी. हाँ. और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया शराब वराब पीती हो क्या है? तो अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पर एक किस्सा सुनाओ आप चाहें तो.
तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब 14 का चांद रिलीज हुई तो बहुत हिट हो गई थी, तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज करेंगे। तो वही किया उन्होंने, फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदत जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ बस सिर्फ मुड़ के देखती। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो अच्छा। हाँ साहब लाइट बहुत है तो लाल हो गई। जैसे इन्होंने कहा नहीं इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब यह मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हो तो बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी उस दौर में जैसे आशा जी ने वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रिटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो। I was very happy that it was in color because my costumes were very colorful. जी. I could wear those feathers and I could, you know, and it, I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हो कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है कभी यहाँ, तो वैन तो होती नहीं थी। अर्चना आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं स्टूडियो ओनर को, कहा भाई दो बाथरूम बना दीजिए। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफ़ा आएंगे शेड्यूल पे 10 दिन के बाद आए। तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को बाथरूम बना, हाँ जी इंतज़ाम कर दिया हमने। अच्छा क्या इंतज़ाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। बाप रे कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। पानी पीना छोड़ दिया था, सुबह से शाम तक बाथरूम नहीं जाते थे, घर जाके बाथरूम जाते थे। अभी तक माशाल्लाह किडनी अच्छा है। हाँ सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो हेलन जी को डांसिंग क्वीन, पता नहीं बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए गए थे, ऐसे नाम दिए गए थे हेलन जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही गाना कभी कभी हेलन जी का पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाता था। तो हेलन जी दूसरी जो हिरन होती थी फिल्म में और आप आके एक गाने में वाह वाह लूट लेती थी, तो उनको जेलसी फील नहीं होती थी कि आ गई हेलन जी अभी ये सारा मेला लूट लेके ले जाएंगे? By the grace of God, I've been very good with all the heroines in the movie. They've loved me, literally they cared for me. There was no jealousy. I worked with Asha Ji. Were you jealous of me? No. If I was jealous, I wouldn't be friends with you. अच्छा आशा जी आपकी जब आपकी फिल्म में सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन, आपको जुबली गर्ल भी नाम दिया गया था आपके फैंस के द्वारा, तो जब सिल्वर जुबली होती थी फिल्में, गोल्डन जुबली होती थी, उसके बाद आपने फिल्मों की क्वांटिटी बढ़ाई थी या पेमेंट ही बढ़ाई थी सिर्फ? क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग 9:30 to 6:30 की शिफ्ट करते थे और फिर 7 बजे मैं पहुंच जाती थी स्टेज पे, मेरे बैलेज होते थे तो फिर डांस करना शुरू कर देती थी, 3.5 घंटे का बैले होता था वो ख़त्म करके फिर घर जाती थी, तो क्वांटम तो बढ़ा नहीं सकती थी। हाँ पैसे तो बढ़ा सकती थी। आशा जी आपने तकरीबन सब स्टार्स के साथ काम किया है, तो आपको अपनी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छी लगती थी? मेरी पहली फिल्म शमी कपूर जी के साथ थी। अच्छा जी। तो मुझे उनके साथ काम करने का जरा आसानी लगती थी, एक बहुत मतलब जो वो करते थे वो इमीडिएटली मैं पकड़ लेती थी। अच्छा जैसे डांस होता था तो डांस डायरेक्टर नहीं होता था। अच्छा जी। अच्छा तुम ये कर लेना मैं ये कर लूंगा। अच्छा वाओ। हाँ रियली।
तो इस तरह से कई गाने हमारे ऐसे थे कि विदाउट अ डांस डायरेक्टर हमने किए हैं. क्या बात है जी. और उनको मैं छेड़ती थी भी बहुत. मुझे याद है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, उनके गले में कुछ हो गया था. अच्छा तो बहुत हंसी. अरे पहलवान को बुलाया गला ठीक करने के लिए. ओह दूसरे दिन मैं गिरी तो पैर में मोच आ गई. साहब वो पहलवान फिर आ गए मेरा पैर ठीक करने. एज यूजुअल शमी जी कर रहे आया ना आया ना. मैंने कहा जी आ गया. एक्चुअली उस समय फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना होते थे. हाँ. तो पहलवान ही जो पहले कुश्तियां करते थे. मुझे याद है बिकॉज मेरे फादर की कुश्ती करने के बड़े शौकीन थे. तो जब उनको कभी ऐसे हो जाता था तो पहलवान के पास जाते थे. और पहलवान भी पता नहीं कोई एमआरआई कोई एक्सरे नहीं करते थे, खुद ही देख के ऐसे पटाखे की आवाज आती थी. या तो आदमी ठीक हो जाता था या बेड़ा गर्क. आशा जी, हेलन जी, आप मतलब जब भी किसी हीरो के साथ काम करती थी तो ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन शमी जी के खुद के स्टेप होते थे हम लोग सब. हाँ, वो खुद ही मतलब कर लेते थे. तो वो कितनी एनर्जी होती थी, कितना मुश्किल रहता था उनके साथ डांस करना आपको भी? या एनर्जी तो या क्या रिदम थी उनमें. हाँ, एक एक रिदम पे झटके सब सभी लोग. और क्या शमी जी का कोई प्रॉपर डांस डांस नहीं होता था, जैसे वाइल्ड डांस ना. जी, तो रिदम को पकड़ के उनमें इतनी पूरे जिस्म में रिदम थी. रिदम थी, रिदम थी. ये हाथ भी यूं करो, यूं भी करो, तो सब रिदम में करते थे. एक्चुअली इवन टेक. अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था. नो, ऐसे पता नहीं क्यों, अफवाह है. अफवाह है, असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ही था. अच्छा जी. हाँ, मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना. वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह है कि सच्ची बात है, लेकिन ऐसे मैं अफवाह सुन के आया हूँ बहुत सारी. एक के बाद एक, एक के बाद. पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था. हाँ, लेकिन हाँ, बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट निकली. हाँ, अच्छा तो मतलब ये बात सही है, चलो वो बच गया आज. तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर गांव है, गांव के जैसे साहिर लुधियानवी, तो तिरुचंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहां के थे वो. अच्छा, तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था. बाप रे, इतना लंबा नाम. हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है. अच्छा, तो हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे से सीखना है. जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है. बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान. नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता. अच्छा, बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी. तो 6 महीने लगा दिया और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है. तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ. अच्छा, तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते. अच्छा जी. तो बोले ये तो बड़ी मुश्किल है. फिर तो बोले अच्छा उसका बर्थ डेट लेकर आओ. अच्छा, वो लेकर गए तो उन्होंने अपने से चार्ट बनाया कुछ पता. अच्छा, नहीं क्या क्या किया. तो बोले ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ साहब? तो ये चार्ट में कहता है कि ये लड़की मेरी लास्ट और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी. हो नहीं सकता. तो उन्होंने ऐसे ढकल दिया, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, या मैंने ठीक नहीं किया. तो बोले और 2 दिन दो. अच्छा, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बनाया. बोले नो, अगेन द सेम रिजल्ट. तो बोले चलो मैं सिखाता हूँ इसको. क्या बात है, लेकिन और वो बात सच भी साबित हुई. वाह. ऐसे हमने सुना है कि रेशमा और शेरा में एक ऐसा सीन था जिसमें आपको बच्चन साहब को ऐसे थप्पड़ मारना था. हाँ, लेकिन बच्चन साहब की माता जी वहां पे रहती थी. तो मैम फिर कैसे मारा आपने? वो आदमी थोड़ा वो भी हो जाता कि यार सामने मम्मी है. नहीं, उन्होंने आंटी ने ये भी कहा वहीदा जरा संभाल के. तो मैं बिल्कुल डर गई. ओ, तो अच्छा जी. हर बार आए तो सुनील दत्त डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त और सी रामचंद्रन कैमरामैन थे. अच्छा, तो उन्होंने कहा वहीदा जी आप ठीक से नहीं करेंगे तो रीटेक होंगे, उतने थप्पड़ पड़ेंगे. अच्छा, इससे बेहतर है आप दिल मजबूत करके एक कस के दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी.
अच्छा तो फिर लाइटिंग वगैरह हो रही थी तो मैं जाके बैठी तो आंटी बच्चन उधर बैठे हुए थे, वहीदा जरा संभाल के करना। तो मैं बिल्कुल डर गई। फिर मैंने जाके सुनील दत्त को कहा साहब मेरे से थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है। बोले क्यों क्यों नहीं मारा जा रहा कि वो आंटी ने कह दिया जरा संभल के। तो बोले ओहो तो फिर आंटी को कहना चाहिए इस शॉट के लिए बाहर जाके बैठी है। अच्छा, तो बाहर भेजा फिर उनको, बाहर भेजना पड़ा। तो उसके बाद फिर सब सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील दा सब कहने के एक ही शॉट एक ही टेक एक कस के लगा दीजिए। अच्छा। मैंने कहा अमिताभ बहुत कस के लगाने वाली हूँ। हाँ कोई बात नहीं। खैर शॉट हुआ, लकीली पहला टेक ओके हुआ। तो फिर अमिताभ कहने वहीदा जी काफ़ी अच्छा था। मैम उस समय जब आपके कोई क्रेजी फैन आता था तो आप किस कैसे हैंडल करती थी आशय? सेट पे शूटिंग देखने आ जाते होंगे, आपके घर के बाहर आ जाते होंगे कहीं? घर के बाहर एक चाइनीज आदमी आता था। चाइनीज? हाँ। अच्छा जी। तो वो मतलब आके घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। अच्छा जी। तो बोले मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आशा पारिक से शादी कर कर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पढ़ा था ये। इट वाज अब मैं वो हटे ही नहीं। फिर वहाँ उसने अपना गद्दा लगा दिया, वहाँ रहने लगा, कुछ मछलियाँ जला के खाता था, पता नहीं क्या करता था। और लोग उसको कहे यहाँ से हटो तो वो छुरी निकाल कर दिखाए कि मैं हटूंगा नहीं। अब जब उसने छुरी उरी निकालने की बात की तो अब मुझे डर लगने लगा। मैं रात को लेट शूटिंग करके आऊँ तो मैं अपने नीचे कार के नीचे मतलब छिप कर रहूँ और छिप कर देखूँ कि वो है कि नहीं, बैठा हुआ है तो फिर छिप जाऊँ। फिर मैंने कहा ये तो बहुत हो रहा है, एक महीना ये चलता रहा। तो फिर मैंने जो है पुलिस कमिश्नर को फोन किया। अच्छा जी। वो कहा गया भैया इसको पकड़ के ले जाओ। उसको पकड़ कर ले गए जेल में, वहां से उसने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, मुझे ये लोग ले गए हैं, प्लीज मुझे बाहर निकालो। बेल भी आप ही कराओ। मैंने कहा अंदर तो मैंने डाला है तुमको। मैंने कहा अंदर तो मैंने तुमको डाला, मैं तुमको आके बाहर निकालू, मैं पागल हूँ क्या? फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। You are looking out for him now. No. हेलन जी आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? हुआ होगा जरूर। एक बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन। अच्छा जी। थी? आशा भोसले। अच्छा, वाओ। एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया, I was a guest। अच्छा जी। तो बातें बातें में उन्होंने कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है। Then I went out and I did that। हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती। So sweet। वहीदा जी आपको भी तो कभी ऐसा कोई ना कोई क्रेजी फैन मिला ही होगा कभी जिन्होंने तंगी कर दी हो आपको? हाँ देखिए हमारे ज़माने में जब जवानी में सभी होते हैं, सबके फैंस होते हैं। एक हर रोज़ कुछ 12-15 सफ़े का एक लेटर आता था। अच्छा जी। उसमें वो लिखते थे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं सोचूं अभी ये आर्किटेक्ट हैं तो इनकी इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है, वो हैंड रिटन। ये नहीं कि टाइप हो या उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन लेटर। फिर कहते थे एक दिन याद रखिए आप ताजमहल क्या, मैं अच्छा। उससे बढ़ के बनाऊंगा क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूं। हो सकता है उन्होंने कभी बनाया भी हो आपके लिए, ये भी तो हो सकता है। अच्छा मैम आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, मतलब आप अपने फैंस के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अगर कुछ आप कोई नई फिल्म कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, सीधा उनके साथ चैट सेशन करते हैं आजकल के जो भी स्टार्स हैं। उस समय में तो ऐसा सोशल मीडिया तो होता नहीं था। सो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों उनके जवाब दे सकते हैं। आपके टाइम पे जो फिल्में बनती थी उनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? आप तीनों जवाब दे सकती हैं। स्टाइलिश हीरो जी मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे। अच्छा जी। फिर शमी कपूर थे। शमी कपूर साहब, वाह क्या बात है। आशा जी आप? मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज साहब जी जी, वाह। हेलन जी आप तो खुद इतने स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवानंद। देव साहब, वाह। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। सब आप सब सहमत हैं आशा जी? आप सवाल ये बड़े बड़ा टेढ़ा सवाल है। हंसने वाला सवाल। मगर आते थे लेट।
मैंने दो पिक्चरें की उनके साथ, अगर 9:30 से 6:30 तक की शिफ्ट होती थी जी, तो वो 2 बजे आते थे। अच्छा जी। तो फिर आधी शिफ्ट चली गई, फिर लंच खा के फिर आराम करके उठ के। अच्छा। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहा आप 2 से 10 की शिफ्ट की रखी है। अच्छा। दोपहर के 2 से रात के 10 से। बोले हाँ अच्छा आइडिया है, चलो वो कर दे। तो वो 2 से 10 बजे की शिफ्ट रखते थे तो वो 6 बजे आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैं कहती थी क्या राज जी मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। एक दिन मिल्क कॉलेज में शूटिंग थी तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा वहीदा जी आप घर से मत निकली जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। अच्छा। आई फील गिल्टी आप बैठी रहती हैं वहाँ क्या करें। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर फ्रेंटिकली फ़ोन आया, उस वक्त मोबाइल नहीं था कुछ नहीं, निकली निकली जल्दी निकली। मैंने कहा क्या हुआ। बोली सुबह 7 बजे राज जी आउटडोर में बैठे हुए हैं। राजी दर्श बोले मैं बदनाम हूँ कि मैं लेट आता हूँ, मैं बैठा हूँ, आप अभी आई हैं, अभी आपको मेकअप करना है, बाल बनाने, कितनी देर लगेगी, मैं कितनी देर बैठा रहूँगा। मैंने कहा मुझे जिंदगी भर बिठाते रहे, अभी आप बैठे रहिए। ऐसे कौन से एक्टर थे जो दूसरों के डायलॉग चेंज करवा देते थे, ऐसा कोई था? मैंने एक पिक्चर में काम किया था जिसमें कृष्णा करके कोई विलन था। अच्छा जी। तो वो क्या होता था 7 to 2, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी, तो मैं 2 to 10 की शिफ्ट में उसकी शूटिंग करने जाती थी। अब वो 6 बजे तो वो सारे डायलॉग उल्टे बोले। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे ये था कि शल्लो तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, तो वो बोलेगा शल्लो तुम कमल में खिला हुआ कीचड़ हो। तो एक दिन ये हुआ, अच्छा बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्टार थी तो पूरे सेट पे सन्नाटा। तो उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो। तो बोले क्या बोल रहा हूँ। तो बोले तुमने ये डायलॉग बोला है। अच्छा मैंने ऐसा बोला, सॉरी सॉरी हाँ फिर से करते हैं। फिर वही बात। अच्छा। हर चीज़ में, मतलब वो सुजीत कुमार के साथ था कि शल्लो के साथ मैं सुहागरात मनाऊँगा, वो 6:30 बज गए थे तो कहने लगे के शल्लो की जगह मैं तुम्हारे साथ सुहागरात। अच्छा हेलन जी, कोई ऐसा एक्टर भी था जो सबसे ज्यादा, मैं ना मेरे शो पे जो भी हीरोइन आती हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट बड़ा करते हो, हालांकि मैं करता नहीं हूं, मेरा हो जाता है। अच्छा उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा। अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना, उनको मालूम है एक थप्पर मिलेंगे तो आएंगे। तो मैम सलीम साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये सलीम साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तभी आप पूछ लेना, दोबारा बुला लीजिए दोनों को। दोनों क्यों, तीनों। हाँ जरूर जरूर। सलमान's mother is there. Definitely. We would love to, ma'am. बाकी भी सब को। मैम यहाँ पे ना कुछ आपके हार्डकोर फैंस हैं जो आपकी फिल्मों के, आपके स्टाइल के इतने दीवाने हैं, तो उसी आज स्टाइल में बैठे हूँ मैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, आप जरा मंच पे आइए। नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किन का अपने स्टाइल कॉपी किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मधु चंद्रा हूँ। अच्छा जी। मैंने आशा जी का गेटअप किया है। अरे वाह कमाल है। बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप जी। आपका? मेरा नाम निशा है। अच्छा जी। और मैंने जो स्टाइल किया है वो भी आशा परीख जी का। अरे वाह। हेलो हेलो जी मैम, देखा मामतोरा, मैंने हेलन जी का स्टाइल किया है। अरे वाह। जी पीछे। हेलो, ममता सा जी। ममता, मैंने वहीदा जी का स्टाइल। वाह। मैं जयश्री पंचाल हूँ, मैंने वहीदा जी की स्टाइल। सो स्वीट। हेलन जी पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन? तो ये नंबर एक। Oh,
आ रहा है गुड्डू आ जा क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है ये मैम हमारे पड़ोसी हैं बच्चा यादव उनका बेटा है गुड्डू अच्छा पैरी पोड़ा दादी जी जी तेरा पैरी पोड़ा दादी जी पैरी पोड़ा दादी जी गुड्डू ये दादी दादी क्या होता है दादी दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई उसे दादी कहते हैं ओए कलिंगड़ कलिंगड़ मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई कप्पू अंकल मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियां मान लिया हुआ है अबे तन मन धन से मानना होता है तन मन से आप मानो मैंने धन धन से माना है पता क्यों क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते धन धन से आते हैं बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है कोई बात नहीं ये फिल्मी लोग है ना क्लाइमेक्स में मानते हैं ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे हाँ। इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे तेरा क्या होगा डैडी के शोक कौन सुनेगा डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करना लेकिन एक बात है कप्पू अंकल वही इधर है जी है ना मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ उनका कौन सा बेटा गाता है ए आर रहमान ए आर रहमान उनका बेटा नहीं है वो अलग है सच्ची सौ खाओ हाँ इनका बेटा नहीं है नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती अच्छा ये बताओ गुड्डू स्कूल क्यों नहीं गया आज स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूछ पे चोट लग गई थी इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली बुआ की पूछ नहीं होती भैंस की पूछ होती है अंकल जी वैसे हमारी बुआ है समझे वो हर साल मेरे पापा को राखी बांधती है भैंस कैसे राखी बांध सकती है क्यों अंकल जी अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती हाउ रेसिज्म अच्छा फालतू की बातें इससे जितनी मर्जी करा लो अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना पढ़ाई के बारे में इसकी बोलती बंद हो जाएगी वाह गुड्डू ज्यादा तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल क्या सवाल पूछते हो अच्छा बोलो बता। सूरज किस दिशा से निकलता है सूरज हाँ ऐसा गोल सा हाँ वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो हाँ सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है हाँ वो जो कपड़े भी सुखा देता है हाँ वही सूरज सब पता है वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है हाँ वही सूरज वो सूरज जो रात को डूब जाता है हाँ वही सूरज हाँ तो 9:30 बज रहे ना डूबा हुआ जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उठता है देखा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं इसका ऐसी बातें करता है मैं इतना टैलेंटेड बच्चा हूँ ना अर्चना जी मुझे पता था मेरी दादी जा रही है इसीलिए मैंने 70s की फिल्मों पे ना ऐसे लिखा हुआ है चल सुना फिर ठीक है तो मैं सुना देता हूँ आज का हमारा शीर्षक है 70s की फिल्में वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हुई हैं लेकिन 70s के दशक की फिल्में मेरी फेवरेट है उन फिल्मों में माँ एक अहम भूमिका होती थी वो बेचारी दिन रात फटे पजामे मशीन में सीती रहती थी अभी ये जांच चल रही है कि इतने सारे पजामे कौन फाड़ता था 70s की माँ काफी भुलक्कड़ किस्म की होती थी वो अक्सर अपने बच्चों को मेले में भूल आया करती थी फिर
उन फिल्मों में अक्सर एक लाला होता था जो अक्सर औरतों के कंगन की कलेक्शन रखने का शौक रखता था। वो प्राय गरीब औरतों के कंगन गिरवी भी रखता था। उन फिल्मों में काफी काली घांसी, काली पहाड़ी और कालिया नामक शख्स होते थे। उन फिल्मों की माएं एंड में जाके अपने बच्चों को बताती थी कि उनके बाप का कातिल कौन है, ताकि फिल्म क्लाइमेक्स में पहुंच सके। धन्यवाद। अरे यार, ए गुड्डू, ए गुड्डू, ए ए ए, अरे यार देखो यहाँ पर बैठे हो। अरे यार, हम कब से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं इसके कि कब ये नींबू लेके आएगा और हम दूध को फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे, यहाँ पे मजे कर रहा है। हाँ तो दूध के बर्तन में बैठ जाता ना, वैसे दूध फट जाता। अच्छा, हम बैठ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे तो दूध सिल जाएगा, हम ऐसे घूम जाएंगे तो दूध रफू हो जाएगा। वाह वाह कपू शर्मा वाह। अरे दूध का इतना नॉलेज रखते हो तो कहीं भैंस क्यों नहीं लग जाते यार। माल का वैसे हम इनसे बातें करने में, इनसे बहस करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 70s का सिनेमा हमारे सामने लाइव है, हम नीचे आ रहे हैं। आई नीड टू मीट यू। अरे यार मजा आ गया। अरे यार, अरे बाप रे, नमस्कार नमस्कार। अरे यार मजा आ गया यार। हाँ। क्या बात है अर्चना जी। yes. इस मोहल्ले से जितना हमको निराशा था ना, आज सारा दूर हो गया। पूछे क्यों क्यों, अब मोहल्ले में आ गई है आशा जी, तो किस बात की निराशा जी। आशा जी, वहीदा जी, हेलेन जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ। और कप्पू शर्मा, आपको हमारा क्रोध भरा तिरस्कार। वैसे आप लोगों को यहाँ देख के बड़ा खुशी हो रहा है। अरे यार, प्रोड्यूसर जी की मम्मी आई है। परिपूना मम्मी जी। परिपूना। देख रहे हैं आप कप्पू शर्मा जी, पहले पापा आए थे, फिर भाई को भेजा, अब मम्मी आई है, पूरा नजर रख रहे हैं हम पर। एक मम्मी और है। दूसरी मम्मी भी आएगी। अरे वो भी आएंगी। सही बात है। वैसे मम्मी जी, अगर शो में कुछ भी गलती हुआ हो, कुछ ऊंच नीच हुआ हो, कुछ भी अगर रॉन्ग आपको लगता हो, तो इस आदमी को ब्लेम कीजिएगा। हम अपना तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या बता, हम अपने बच्चे का होमवर्क भी आजकल चेक नहीं करते, खाली जॉक्स बनाने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं हम। ताकि क्या है कि स्पॉन्सर सारे के सारे खुश रहे। आपको सच बता रहे हैं मम्मी जी, हम और हमारी ये चोटी इस शो के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। आशा जी, वहीदा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, आप लोगों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या दे सकते हैं आशा जी? जी आपके लिए। ओहो, कटी पतंग। दिस इज ए कटी पतंग। ये वहीदा जी आपके लिए, कागज के फूल। और हेलेन जी आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या लाएंगे? सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे, या हमें चाटा भी मार सकते हैं। वैसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले। कौन से सनम? वो पत्थर के सनम। उनका बस जॉक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल हैं, आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोक्यो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहे। जैसे आपने लव इन टोक्यो किया था, इन्होंने टोकने में PhD किया। PhD इन टोक्यो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा पप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं।
खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? किसका बजा? मेरा नहीं बजा। ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार, कभी कभी तो हमें शक होता है, इजी माइन। चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम, अच्छा जी आपने वो फिल्म किया तीसरी मंजिल, तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला दो पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं मतलब। पापा जी बस करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है? हाँ तो रात को कैसे सो, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दी है तुझे। बस पापा बस। हाँ। इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। हाँ। मैं आज गुड्डू यादव, बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ, तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो, चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ, ऐसे जाऊँ, हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी कुछ कैप लगाता हूँ आपकी, आपके थोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is life. Go John. वैसे हमारे ये बच्चे ने काफी गुस्सा दिला दिया, my apology for that. लेकिन क्या माहौल को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अगर आप कहें तो जोक्स पेश कर दे, पेश कर दिया जाए तो ठीक है। कपूर शर्मा आप हमको बताइए, शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है, अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं? अबे चल, अबे चल क्या, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। हाय ट्रिक टीम। एक और पेश करते हैं, अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या ना। चलिए हम भी चलते हैं, हमें जरा हिसाब चुकता करना है जरा गुड्डू के साथ। ओके मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच। यो ब्रो वहीदा मैम, आराम से आराम से। ये पक्का इमोशनल हो गए, पायल उतारेगी आपकी। हेलो मैम, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं आज वैरायटी बड़ी शो में देखी आप, एक तरफ महानायक हैं, एक तरफ महानलायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा,
मतलब अगर मैं इनकी जेनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कप्पू मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर वन है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बताता हूँ मेरे खानदान में कितने लोग हैं। दो लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सब सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़िया घर में हुआ है ये भी बता दो। चल झूठी के सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है वैदा जी। बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वैदा वैदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, जीभ थी सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी आप धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना तो शॉर्ट फिल्मों में ट्राई कर। ढाई ढाई मिनट की आती है ना, जो ढाई ढाई मिनट की, तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे, बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस करो देखने की उस दिन। वैसे प्लेट नहीं फेंकते? मैं कहती अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसने खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उसी में बहुत खूबसूरत लग रही थी इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी होना, सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हिरन होती ना तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ यहाँ क्या कर रही हो, जाके कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रहे हो तुम कप्पू? मैं प्रोड्यूसर की मम्मी क्या सोचेंगी वो कुछ। हेलन जी आप आते पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी, यही है। हेलन मैम सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए कि आप शो में आ गए, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। एक बार बताइए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझ में? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये, सच सच बता तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये। ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही, उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा। हाँ ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी अर्चना जी, कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है। परमीत तो 5 रुपए तोला ले आता है, तो झूठ बोलती है। तो मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तिल्ली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है कोई काम बना सकती तू बायोपिक? देखो ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी? हजारों का खाना खा सकते हैं तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है, भी तो बता कैसे खाती है? साइन लैंग्वेज यूज करती, कोई भी आता कहती हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है बोलो। हेलन मैम आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा देखा, तो इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी। हो गया, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हेलन मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही कुछ, नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं आपके रोल के लिए ना तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा, तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम तो फिर ये क्या है? आप प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ।
अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो. अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा. आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी. तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली, मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए. सीरियसली, आपके जैसे रहन सहन बातचीत सब आप जैसा है. सीरियसली ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है, गरम गरम है, उठा ले. फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता. जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो. चलो. ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे. और कप्पू शर्मा, जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे. रोगे नहीं, खुशी कैसे होते वो. चुप. एक बार वहीदा जी, आशा जी और हेलन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. मैम, आपने अपनी फिल्मों से करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया, इतने सालों तक एंटरटेन किया. सो हमारे साथी कलाकारों की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जो आप तीनों के लिए. मैं चाहता हूं कि आप सामने आके उनको देखें. आइए प्लीज मैम, जोरदार तालियां हो जाएं. कलाकारों के लिए मैं इनके बारे में बता दूं, हमारी सपना जो है हेलन जी का पार्ट अदा कर रही थी. इतनी बड़ी हेलन जी हमने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था. पर सुपर, माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. आइए वहीदा जी, आशा जी, हेलन जी, प्लीज आप मंच पे आ जाइए. आशा जी, वहीदा जी, हेलन जी, आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारे शो में आई. और बहुत लोगों को इंतजार था कि आप तीनों एक साथ हमारे शो में आए, और आपने हमारा न्योता जो है स्वीकार किया. थैंक यू सो मच आने के लिए. आई होप आपने एंजॉय किया होगा मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. गॉड ब्लेस यू विद ऑल द शोज टू कम. थैंक यू मैम, थैंक यू. सो आप सब लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई रखें, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट, शुभ रात्रि.